ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರು ಭಕ್ತ ಬೃಂದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ
गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं जथा जी को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु मुरारी को ऊपर में उन्होंने कैसे कृपा की है, इसलिए कहते जय प्रसाद मुरारी गुप्त रे प्रभु करे तहावा बांछय रंबा अज अनंत शंकरे। कहते महाप्रभु मुरारी गुप्त को ऊपर में जो कृपा की है कहते वह कृपा को लक्ष्मी ब्रह्मा शंकर अनंत भी ऐसे कृपा को प्राप्त करना चाहते। बोले क्यों? कारण है श्रीमान महाप्रभु इनको अपना गोद में बैठा है और अपना हाथ को लेकर के हैं और उनको सर पर रखे। बोले तुम कसम खाओ कभी भी ये प्राण त्याग तुम नहीं करना, हाँ ये प्राण त्याग कभी नहीं करना। कहते ये सौभाग्य थोड़ी किसको प्राप्त हुआ है जिसको भगवान अपना गोद में बैठाए और अपना सर पर हाथ रख करके आशीर्वाद दे। इसलिए यहाँ पर एक बात कहते हैं बोले बाटुआरे मारे मात्र एक जन्म मारे जन्मे जन्मे क्षण क्षण निंदक सहरे। यहाँ पर एक विशेष बात कह रहे हैं कहते बाटुआरे मारे मात्र एक जन्म मारे। जैसे पहले पहले चोर होते थे ना रास्ता में जो छुप करके रहते थे और मार करके सारे धन को छीन लेते थे। कहते अगर ऐसे व्यक्ति अगर किसको मारता है क्या होता है उसमें केवल एक जन्म में एक जन्म ही उनका नष्ट केवल एक जन्म होता है। लेकिन कहते जो निंदा करते हैं कहते जन्म जन्म खड़े खड़े निंदक सहरे। देखिए जो व्यक्ति किसको चुगली करता है निंदा करता है उसमें क्या होता है कहते जन्म जन्म और क्षण क्षण में कहते वो निंदक क्या होता है वो मरते रहते हैं संघरे वो मरते रहते हैं। क्योंकि जिसको हम निंदा करते हैं एक उदाहरण दिया है जैसे किसी बच्चा ने टाटी पेशाब कर दिया माँ क्या करती है उसको अपने हाथों से उसको साफ सुथरा करती है साफ सुथरा करती है। लेकिन जो व्यक्ति किसकी चुगली किसकी निंदा करते हैं वो क्या करता है मैया तो हाथों से बच्चे को साफ सुथरा करती है लेकिन जो व्यक्ति निंदा करता है ना वो जीवा से उसको टाटी पेशाब को साफ करता है। जीव से निंदा करते हैं ना किसको निंदा कर जीव से माँ तो हाथों से करती है लेकिन निंदा करने वाले उसका जीव से उसको साफ करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जिसका हम बुराई निंदा चुगली करते हैं उनके सारे जो अपगुण जो करने वाले व्यक्ति के ऊपर में सारे दोष करने वालों के ऊपर में आ जाता है। इसलिए आप देखना जैसे हम किसको निंदा करें इसमें क्या होता है उसमें हम आविष्ट हो जाते हैं उसमें हम संपूर्ण रूप में उसमें हम आविष्ट हो जाते हैं। आविष्ट होने पर हम उसको चिंता करते 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 बस हमारी चिंता उसमें हो जाता है। इसलिए गुरुदेव एक सुंदर कथा सुनाया करते थे बोले एक गांव में एक साधु रहता था लेकिन एक गांव में एक बेस्या भी रहते थे और जो साधु रहता था वो देखता था क्या है वो बेस्या के पास में गंदे गंदे व्यक्ति आते हैं और उल्टा पुल्टा संग करके जाते हैं। अभी ये चीज को वो साधु देख देख करके ना वो चिढ़ता था और वो बोलता था देखो वो क्या कर रहा है देखो सा दुष्टा बदमाशी है तीन भर गंदे गंदे व्यक्ति उसको पास में आते हैं उल्टा पुल्टा उसको तीन भर वो साधु वो बेस्या की चिंता करता था। लेकिन बेस्या क्या करती थी
वो साधु को चिंता करता था, है बोले देखो ये साधु बाबा कितने अच्छे आदमी है, दिन भर हरि कीर्तन हरि कथा भगवत चिंतन में अपना जीवन को हर समय बिताता है, इसलिए वो वैश्या करती थी क्या, दिन भर वो साधु को चिंता करता था कितने अच्छे आदमी कितने दिन भर हरि चर्चा, देखो मेरे जीवन कितने गंदे काम में जीवन बिता रहे। हठात क्या हुआ, एक दिन भूचाल आ गया तो दोनों मरे तो वो वैश्या को पास में आई विष्णु दूत और साधु को पास में आई जमदूत। जब वो साधु को पास में जमदूत आए लेने के लिए, बोले बाबा चलो, बोले कहाँ, बोले नरक, बोले भूल से आ गई हो, देखो वहां जाओ, वहां पर जाओ कि वैश्या रहती है, तुमको वहां जाना चाहिए था, तुम लोग गलती से इधर आ गए, जब वहां जाओ। अभी जो वैश्या को पास में वहां पर विष्णुदूत गए, जब विष्णुदूत गए वैश्या कहती है तुम लोग गलत जगह पर आ गए हो, देखो वहां पर चले जाओ, वहां पर के साधु वहां पर भजन करता है, वहां जाओ। इतने में विष्णुदूत और जमदूत कहते हैं, कहते नहीं हम कहीं गलत जगह पर नहीं गए, हम सही जगह पर आए, सही जगह पर आए, क्योंकि साधु को बोले देखो तुम तो है साधु लेकिन दिन भर तुम चिंता क्या करता था, वैश्या की चिंता करता था, देखो कितने गंदी, दिन भर उल्टा पुल्टा लोग आते हैं, रहता था यहाँ और देखता था वहां और दिन भर उसका चुगली निंदा करता था, इसलिए तुम्हारे मन का आवेश वहां पर था। लेकिन जो वैश्या थी उसका आवेश कहाँ पर था, बोले साधु में, देखो कितने अच्छे आदमी दिन भर हरि चर्चा करते हैं, हरि कथा होती है, हरि कथा में अपना मन को डुबो करके रखते हैं, देखो मैं कितने पापी ऐसे, इसलिए फल कहाँ, इसलिए कहते मन एव मनुष्य नाम कारण बंध मोक्ष, इसलिए भगवान कपिल देव अपना माँ को कर बोले माँ यही मन ही बंधन का कारण, यही मन ही मुक्ति का कारण, माँ जब ये मन को हम विषय में लगाएंगे ये मन बंधन का कारण बनेगा, जब ये मन को हम भगवान में लगाएंगे मुक्ति का कारण बनेगा, इसलिए माँ क्या करो सैव साधु सुकृत्य मुक्त संघ परम प्रजित, इसलिए माँ जो संघ है साधुओं को साथ में करो मैया, करोगे तो क्या होगा, हरि चर्चा हरि कीर्तन हरि नाम में मन लगा रहेगा और भवसागर से पार होने का माँ और कोई उपाय नहीं, सैव साधु सुकृत्य केवल साधु में ही अपना मन को लगा करके रखो। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं अनिंदु को हरि जे सकृत कृष्ण बोले सत्य सत्य कृष्ण तारे उधारी बहले, कहते अनिंद को हरि जो सकृत कृष्ण बोले, जो व्यक्ति किसी की चुगली नहीं करते हुए केवल एक बार कृष्ण जो बोल देते हैं क्या होता है, सत्य सत्य कृष्ण तार उधार भी कह बोले सच 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 बता रहे हैं कृष्ण जरूर उसको उधार करेंगे ही है, कहते हैं क्योंकि जीव का जो स्वरूप है जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्यता, जब हम किसकी निंदा करते हैं, हर जीव तो भगवान का संतान है, भगवान का संतान है, हाँ निंदा हमें किसको कर सकते, गुरु जी कहते थे जैसे कोई शिष्य नहीं तो कोई हमसे जूनियर कोई अगर गलत काम करते हैं हम उनको अनुशासन कर सकते हैं, उनको शासन कर नहीं ऐसे नहीं करनी चाहिए गलत रास्ता है बेटा ऐसे नहीं करना, ऐसे भजन करो ऐसे भक्ति करो ऐसे हाँ, उनको पर बिना द्वेष कर किए हुए उनके आत्म कल्याण के लिए जो सीनियर जो व्यक्ति अगर वो अगर हमें शासन करते हैं कहते फिर वो निंदा नहीं है, वो उनका कल्याण सोच कर करते हैं, उनका उद्धार हो गलत रास्ता छोड़ कर के वो सही रास्ता पर हो, लेकिन जब हम किसी की ईर्षा करके उनको नीचे दिखाने के लिए गिराने के लिए हम करते हैं फिर वो निंदा होता है और फिर वो निंदा हो जाती है, इसलिए कहते ऐसे जो एक बार केवल कृष्ण को बोलेगा कहते जो अजय चैतन्य जी चैतन्य महाप्रभु को जितना बड़ा कठिन है ऐसे महाप्रभु उनका प्रेम में भगवान भी वशीभूत हो जाते हैं, बोले ज्ञान बंत तपस्वी आजन्म उदासीन भागवत पढ़ाए तथापि भक्ति ही। यहाँ पर कथा आती है कहते देवानंद पंडित का यहाँ पर कथा आया, कहते श्री देवानंद पंडित का कथा यहाँ पर आता है, देवानंद पंडित का कथा कह रहे हैं ये कैसे देवानंद पंडित थे, बोले ज्ञानवंत बड़े ज्ञानी है, बोले तपस्वी कहते ये तपस्वी थे, कहते आजन्म उदासीन उनका सब गुण बता रहे हैं, यहाँ पर सब गुण बता रहे हैं, कहते आजन्म
ये उदास से निकल जाए, जन्म जन्म से आज जन्म से ही विषय का प्रति उसकी कोई आसक्ति नहीं था। इसलिए लेकिन भागवत पढ़ाए तथा भी भक्ति ही, लेकिन करता था क्या, कहते भागवत पढ़ाया करता था, है भागवत पढ़ाया करता था, लेकिन भागवत पढ़ाने पर भी बोले तथा भी भक्ति ही, लेकिन भागवत तो पढ़ाया करता था लेकिन उसके हृदय में भक्ति थी नहीं। तो यहाँ पर शिक्षा देते हैं, देखो अगर कोई बोले हम तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम तो बहुत बड़े तपस्वी हैं, हम तो बचपन से, हम तो संसार में हमारे कोई आसक्ति है नहीं, हम तो फलाहारी हैं, हम तो दूध पी कर रहते हैं, हम तो फलाहारी, अगर तुम्हारे अंदर में अगर सारे गुण हो जाए, दुनिया की सारे गुण तुम्हारे अंदर में हो जाए, कहते इसका ये मतलब नहीं तुम्हारे हृदय में भक्ति आ जाए, इसका ये मतलब नहीं तुम्हारे अंदर भक्ति आ जाएगी, इसका कोई गारंटी नहीं है। कहते सारे गुण रहते हुए भी, कहते इनके अंदर में सारे गुण है, भागवत तो पढ़ाता भी है लेकिन क्या है, कहते भक्ति नहीं, भक्तिहीन दोष है। इसलिए कहते एक समय क्या हुआ, श्री चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे, जाते समय ये देवानंद पंडित भागवत कथा कर रहा था, भागवत कथा करते समय इतने में श्रीमान महाप्रभु, उन्होंने जाते समय जब वो भागवत कथा कर रहा था इतने में महाप्रभु को कानों में वो भागवत कथा सुनाई पड़ा। जब भागवत कथा सुनाई पड़ा इसको सुन करके श्रीमान चैतन्य महाप्रभु बड़े क्रोधित हुए, हैं बड़े क्रोधित हुए व्याख्या सुन करके। महाप्रभु कहते बोले बेटा है, इसलिए कौन जन्म जन, ये कहते ये जब भागवत क्या है, कहते ये भागवत कहते चार वेद दधि भागवत नवनीत मंथिले ने सुख और खाईले परिखी, इसलिए भाग चार वेद किया, बोले ये दधि है दही है, कहते इसको मंथन किसने किया है, कहते श्री सुखदेव गोस्वामी मंथन किए, लेकिन एक खाया कौन है, बोले परिखित महाराज ने खाए है। अतः जो इस जो श्रीमद् भागवत है ये क्या है, कहते ये भागवत नहीं, बोले क्या है, बोले ये स्वयं कृष्ण अवतार, ये कृष्ण स्वयं ये भागवत रूप में ये स्वयं कृष्ण ही अवतार हुए, इसलिए कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि विषह कलो नष्ट दृशा में स पुराण अर्क अधुना, इसलिए ये पुराण रूपी सूर्य है, जैसे सूर्य उदय न पर क्या होता है सारे अंधकार दूर हो जाता है, इसलिए कृष्ण रूपी सूर्य जब उदय हुए जितने अज्ञान जितने अंधकार है, कहते सारे अंधकार अज्ञान सब के सब दूरीभूत हो गया है। इसलिए कहते भागवत स्वयं कृष्ण स्वरूप है, और भागवत में बताया गया क्या है, कहते भागवत केवल रस स्वरूप केवल प्रेम स्वरूप है, प्रेम को छोड़कर वहां पर कुछ भी नहीं बताया गया है। इसलिए देखो वहां पर जैसे पांच तरह का भक्त है, कैसे ज्ञानी भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त, प्रेमापर और प्रेमातुर, ये सारे भक्तों का भागवत में सभी का निरूपण किया गया। प्रहलाद महाराज ज्ञानी भक्त, उसके बाद में कहते प्रेमी ज्ञानी भक्त, उसके बाद में शुद्ध भक्त है कौन, श्री अम्बरीश महाराज जी कथा है, फिर प्रेमी भक्त हनुमान जी, फिर श्री पांडवों की कथा आया है जिसमें, फिर उसमें उद्धव जी कथा आया, फिर उद्धव जी, फिर जिसमें ब्रज गोपियों की महिमा को ब्रज में जब आए, फिर उन्होंने पंचमुख में उन्होंने गोपियों की महिमा कही। इसलिए केवल भागवत में केवल भक्ति को है, भक्ति छोड़ करके भागवत में कुछ नहीं, प्रेम को छोड़ करके, कहते ये भक्ति रूप भागवत, ये भागवत साक्षात भक्ति की रूप है जिसमें केवल भक्ति की महिमा, केवल भक्ति की महिमा है जिसमें बताया गया। इसलिए कहते जो भागवत है, कहते मोई मोर दास आर ग्रंथ भागवते चार भेद आछे तार नास भाल मते, यहाँ कहते मुई मतलब मैं, मोर दास कहते मेरे जो दास है सेवक है, और ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ मैं मेरा दास, और ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ कहते इसमें चार भेद आछे तार नास भाल मते, कहते जो व्यक्ति मेरे को मेरे भक्तों को भागवत कोई अलग समझते हैं उसका अच्छे तरह से नाश होगा। इसलिए भक्ति बिनु भागवते जे आर बाखाने, प्रभु बोले से अधम किछुई ना जाने,
अगर भागवत कोई ग्रंथ पाठ करता है, लेकिन पाठ करते हुए है कद भाग कद भक्ति बिनु भागवत जी आर बाखाने, भक्ति को छोड़ करके अगर कोई और कोई कुछ बात करता है, प्रभु बोले से अधम किछु ही ना जाने, कि तो अधम कुछ भी नहीं जानता है, कुछ भी नहीं जानता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु उसकी भागवत व्याख्या सुन करके ना बड़ा क्रोधित हुए, हैं बड़े क्रोधित हुए, बोले भक्तिहीन व्याख्या। महाप्रभु क्रोधित होकर के बोले ये जो भागवत कथा कर रहा है उसको मैं फाड़ डालूंगा। इसलिए हमारे जो देवानंद हमारे भक्ति प्रज्ञान के स्वरूप गोस्वामी महाराज, उन्होंने मंदिर का नाम रखा ना देवानंद गौड़िया मठ। क्यों देवानंद गौड़िया नाम रखा? यही कारण है देवानंद गौड़िया मठ उन्होंने नाम रखा। वहां पर देखा ना महाप्रभु एक भागवत ग्रंथ को पकड़ करके, हाँ उन्होंने फाड़े नहीं, फाड़ने जा रहे थे महाप्रभु, है फाड़ने जा रहे थे। इसका तात्पर्य है अगर कोई भागवत कथा कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई भक्ति को छोड़ करके और कोई दूसरे चीज को व्याख्या करते, महाप्रभु कहते हैं ऐसे भागवत को हम फाड़ डालेंगे भागवत को। इसलिए महाप्रभु बड़े क्रोधित होकर के हैं बोले इसको मैं फाड़ डालूंगा। जब गए भक्त लोग भगवान को हैं महाप्रभु को पकड़ करके वहां से महाप्रभु को बचा करके हैं। इसलिए अगर कोई बोलता है अरे हम तो भागवत सब समझ गया हैं, मैं भागवत सब जानता हूँ, महाप्रभु कहते से अधम भागवत कभू नहीं जाने। जो कहता है भागवत में समझ गया हूँ, महाप्रभु कहते से अधम कभी भागवत नहीं जाने। ये समझने चाहिए भागवत का भाव ही नहीं जानता है। भागवत साधारण ग्रंथ नहीं, हम श्रवण कर रहे थे ना भगवत गीता, कहते जो भगवत गीता भक्ति जगत का ये प्लेटफॉर्म है, नीम है, लेकिन भागवत क्या है? कहते पीएचडी ग्रंथ है, हैं भक्ति जगत का पीएचडी ग्रंथ। कहते ये गीता ऐसे ग्रंथ है, गीता ऐसे ग्रंथ है, स्वयं अद्वैत आचार्य भी गीता को समझ नहीं पाते थे। जब गीता पढ़ते थे किसी श्लोक को समझ नहीं पाते थे, अद्वैत आचार्य बोलते थे मैं गीता ही नहीं समझ पाया, इसलिए भूखे रह जाते थे। फिर महाप्रभु क्या करते थे? फिर महाप्रभु आकर के उनका अर्थ समझाया करते थे, बेटा ये इसका अर्थ है, हैं? स्वयं महा अद्वैत आचार्य सदाशिव महाविष्णु भी गीता नहीं समझ पाते। इसलिए कथा सुनाया था ना स्वर्ग में कैसे, स्वर्ग में कैसे सारे जम महाराज इंद्र चंद्र सारे देवता लोग कैसे बैठे हुए स्वर्ग में, और वहां पर अभिचेत सुदुराचार भजत मांग अनन्य भाग साधु रेव समन्तव समग विव स्थित। कहते ये श्लोक को बोले अपिचेत सुदुराचार, केवल दुराचार नहीं बोले सुदुराचार है, अत्यंत अत्यंत दुराचारी। कहते अगर भजंत माम अनन्य भाग, अगर वो व्यक्ति अनन्य रूप में और मेरे को छोड़ करके एकांत के भाव और कुछ नहीं जानता है, बोले उसको साधु रेव समन्तव्य, भगवान स्वयं कहते उसको साधु ही मानो है। पर उसके दूसरे श्लोक में बोले क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छन्ति निगच्छन्ति कौन्तेयः प्रतिजानी नमे भक्ता प्रणश्यति। फिर दूसरे श्लोक में कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो व्यक्ति जल्दी से जल्दी वो धर्मात्मा बन जाता है। इसलिए हे अर्जुन तो प्रतिज्ञा कर मेरे भक्तों का विनाश नहीं। अब ये श्लोक को समझ नहीं पाए है, समझ नहीं पाए श्लोक को, जब समझ नहीं पाए बोले भैया अरे कौन कौन नहीं सब, जम स्वयं इंद्र स्वयं चंद्र स्वयं देवता लोग भी इसको समझ नहीं पाए, बोले इस चीज को कौन कौन इसका अर्थ सही बता सकता है। बोले अभी इसी जगत में मरते जगत में एक महाभागवत जन्म ग्रहण किया, बहुत बड़े संत है। बोले वो कौन है? बोले भक्ति विनोद ठाकुर है, उनका अगर लेकर के ले आओ वो बता सकते हैं। कहते उनका खटिया समेत उड़ा कर ले गए है, खटिया समेत भक्ति में टकर उड़ा कर ले गए, और वहां पर जो उड़ा करके ले गए देखा वहां पर सारे देवता लोग बैठे हुए हैं, सारे देवता लोग बैठे हुए, और भक्ति विनोद ठाकुर जब ले गए तो भक्ति विनोद ठाकुर ने पूछा, जब पूछा भक्ति विनोद ठाकुर ने उत्तर दिया कुछ ग्रंथ में, उसको बहुत अच्छे तरह से व्याख्या में भूल गया उसका, उसको क्या भक्ति विनोद ठाकुर उसका आंसर उन्होंने क्या दिया था, बहुत अच्छा आंसर भक्ति विनोद ठाकुर दिया है। जब दिए भक्ति विनोद ठाकुर क्यों दिए, वो लोग क्यों नहीं दे पाए, कारण क्या है? कारण वो है भक्ति मनोहर ठाकुर कृष्ण लीला में कौन है, कहती है कमल मंजरी राधा रानी की, ये अत्यंत प्रिय एक
सेविका, एक बंजरी सखी है। इसलिए भगवान के हृदय को कौन जान सकता है, बोले भक्त अमाम प्रयागराज्य है, केवल भक्त ही भक्ति को द्वारा ही मेरे को समझ सकता है। इसलिए भक्ति भक्त ही मेरे को समझ सकता है। इसलिए भगवान क्यों ये श्लोकों को बोले, किस लिए बोले, तो ये बात को कौन बताएगा, शुद्ध भक्त बताएगा। शुद्ध भक्त ही तो बताता, क्योंकि भगवान का हृदय के बात कौन जानता है, क्यों किस लिए कौन श्लोकों को बोले कौन बता सकता है, केवल एक शुद्ध भक्त ही बता सकता है। इसलिए उनके हृदय के कृष्ण के अंतर का हृदय केवल उनकी सखी मंजरी वो लोग जानती है। इसलिए उन्होंने बोले तो देवता लोग प्रसन्न हो गए इनकी व्याख्या सुन करके। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, और ये तो गीता है और ये भागवत है, हैं? ये तो भागवत है। इसलिए अगर कोई कहता है मैं भागवत को जानता हूँ, भैया बड़े बड़े ज्ञानी भागवत। एक बार गुरुदेव ने मथुरा में, जैसे जन्माष्टमी के बाद में ना हर समय गुरुदेव मथुरा में मथुरा के बड़े बड़े विद्वान को बुलाते थे, वल्लभ संप्रदाय के वृंदावन से भी, मथुरा से भी, जो बड़े बड़े विद्वान उनको बुलाया करते थे। बुला करके गुरुदेव एक श्लोक रखते थे और एक श्लोक के ऊपर में हर पंडित को बोलना पड़ेगा, हैं, हर पंडित को बोलना पड़ेगा। कभी जन्माद से श्लोक रख देते थे, कभी निगम कल्पतरु, कभी धर्म परिचित, कभी तो अलग अलग श्लोक रखते थे। भागवत का चुने चुने श्लोक रखते थे गुरुदेव। एक समय उन्होंने गुरुदेव ने एक श्लोक रखा, वो श्लोक है भागवत का जो जो कंक्लूजन जो करते हैं, भागवत का जो सार क्या है, इसलिए वस्तु तनिष्ठम कैबल एकम प्रयोजन। उन्होंने उस श्लोक पूरा, इसलिए बोले वस्तु तनिष्ठम कैबल एकम प्रयोजनम, ये श्लोक है गुरुदेव इसी विषय पर। वहाँ के जो पंडित था ना, जो वासुदेव चतुर्वेदी, बड़ा विद्वान, बोले नारायण महाराज है ना, विद्वान आदमी बोल रहा था, बड़े विद्वान है ना, बड़े पंडित आदमी, विद्वान आदमी है, क्योंकि ऐसे श्लोक को गुरुदेव महाराज रखते थे जिसके अंदर में बड़े गहरा विचार है, जिसके अंदर बड़ी गंभीर विचार है। इसलिए भागवत में जो अंतिम जो उपसंहार में कहते हैं, भागवत का सार क्या है, हैं? भागवत का सार क्या है, बोले कैवल्य एकम प्रयोजनम, है वस्तु तनिष्ठम कैवल्यम। इसका मतलब होता है, कैवल्य मतलब क्या होता है, मुक्ति। साधारण रूप में मुक्ति को कैवल्य कहते हैं, हैं? इसलिए भागवत का सार क्या है, बोले मुक्ति ही सार है। इसलिए जितने ब्रह्मवादी लोग हैं ना, भागवत को क्या लास्ट में क्या बोले, देखो जब कृष्ण रास से अंतर ध्यान हो गए, हैं, जब कृष्ण अंतर ध्यान हो, गोपियों का क्या स्थिति हुई, इतने कृष्ण चिंतन करते 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 ऐसे कृष्ण लीला में डूब गए, गोपियां कृष्ण लीला की अनुकरण करने लग गई। किसने बोला मैं पुतना हूँ, किसने, कोई गोपी बोली मैं कृष्ण हूँ, जैसे कृष्ण जैसे पुतना को छाती पर स्तन पान किया था, एक गोपी किसी गोपी की छाती पर चढ़कर स्तन पान करने लग गया। किसने कहा मैं कृष्ण हूँ, देख लो मैं गिरिराज को धारण किया हूँ। किसने कहा देखो मैं अघासुर को मार रहा हूँ। जो मायावादी जो ब्रह्मवादी है, देखो जब ज्यादा कृष्ण में जब डूब जाओगे ना, ब्रह्म में जो एक तल्लीन जब प्राप्त हो जाओगे, जब मिल जाओगे बात, एक ही ब्रह्म सर्वम खलुदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्म छोड़ कर कुछ है ही नहीं। लास्ट में देखो ये है, लेकिन इसको ऊपर में विश्वनाथ चक्र ठाकुर और हमारे जो वैष्णव लोग, उन्होंने बड़े सुंदर सुंदर इसको ऊपर टीका किया। इसलिए इसलिए बोलते हैं, इसलिए कैवल्य एकम, साधारण रूप में कहते भागवत का सार क्या, बोले मुक्ति भागवत का सार है, कैवल्य एकम प्रयोजन, बस मेरे जब ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाओ। लेकिन वहां पर सबसे बढ़िया बोले थे हमारे अच्युत भट्ट, अच्युत भट्ट उन्होंने बहुत बढ़िया बोले, उन्होंने विश्वनाथ चक्र टीका को बोले ना, कोई ये लोग वल्लभाचार्य टीका से बोलते हैं, मथुरा के जो पंडित लोग हैं, लेकिन अच्युत भट्ट हमारी गोस्वामी का टीका, फिर हमारे गोस्वामी का जो सिद्धांत भक्ति रसामृत सिंधु में किया और दूसरे दूसरे ग्रंथ में किया, इसको ऊपर बोलते हैं उन्होंने, सब जो बोले ना अच्युत भट्ट जो बोला उन्होंने, कैवल्य एकम, केवल एक ही हमारे प्रयोजन है, बोले केवल एक क्या है, बोले केवल एक ब्रज भक्ति, बोले ब्रज भक्ति में भी एक क्या है, बोले केवल गोपियों का प्रेम। इसलिए आराध्य भगवान ब्रज सस्तनय तद्धाम वृंदावनम
రమ్యంగా చీతుపాసన ప్రజపతి పరిగణజా కల్పిత శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు మతమిదం తత్రాదర నాపర ఇసలే బ్రజ గోపీవని జో మార్గ కో అపనాయా ఇ సర్వశ్రేష్ఠ హే హే ఇసలే ఫిర్ ఉన్ననే విశ్వనాథ చోటర్ టీకా సే ఉన్ననే బోలే భాగవత కాయ కే మహీన స్వరూప హే ఉన్ననే ఉదాహరణ దియా పర జైసే సముద్ర మంథన జబ్ దేవతా దైత్య దోనం మిల్ కర్కే సముద్ర మంథన కీ సముద్ర సే బీస్ భీ నిక్లా ఔర్ సముద్ర సే అమృత భీ నిక్లా దో చీజ్ ఉస్మే నిక్లా లేకిన్ జిస్ సమయ వహాన్ సే బీస్ బీస్ కిస్ బీస్ కో కౌన్ లియే దైత్య లోగ కో హే తరఫ और अमृत उन्होंने किसको दिए देवता को अमृत दिया जिस समय भगवान महीन अवतार धारण करके अमृत को बांट रहे थे उस समय उन्होंने दैत्यों के तरफ में केवल तिरछी चितवन से देख रहे थे और थोड़ी थोड़ी मुझे मुझे मुस्कुरा रहे थे दैत्यों का तो अमृत में ध्यान ही नहीं वो मोहिनी का जो रूप है उसकी जो चाल है उसकी जो गाल है उसकी जो बोली है उसका जो बाल है उनको उसमें ही ध्यान है उनको तो ध्यान ही नहीं वो थोड़ी थोड़ी मिठी मिठी मुस्कुरा रही थी हाव भाव कर रही थी तेरे से चितवन से देख रही थी और देवता को इधर अमृत बांट रही थी देवता का अमृत बांट रही थी बांटते 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 हैं जब दैत्य लोगों ने बोले क्या है जब मोहिनी बोली देखो इनको ऊपर ऊपर पानी पानी पिला देते जो गाड़ी गाड़ी रह जाएगा ना फिर तो हम दोनों एक हाथ में बैठ कर पियेंगे बोले मोहिनी भले ही अमृत नहीं मिले तू मिल जाएगा सब मिल जाएगा हाँ तू मिल जानी चाहिए बस भगवान ने सारे अमृत देवता को दे दिया और जब खाली हो गया ना खाली कलसी को फेंके और भगवान अंदर ध्यान हो गए इसलिए यहाँ पर विश्वनाथ जी ठाकुर कह रहे हैं कहते उन्होंने दैत्य को उन्होंने किया थे बोले बीस केवल और तेरे से चितवन से देखा बोले है देवता को अमृत प्रदान किया बोले ठीक उसी तरह भागवत में भी एक अमृत भी एक निकलती है और एक जहर निकलती है कहते अमृत क्या है बोले भगवान का प्रेम भक्ति भगवान अपना भक्तों को क्या देते हैं अपना प्रेम को भक्ति प्रदान करते हैं लेकिन ये दैत्यों को क्या दिया है एक तरह का जो भगवान में जो साजू जो मुक्ति भगवान ये मुक्ति किसको दिया बोले दैत्यों को हरिनाम हरिनाम क्या श्लोक है क्या भगवान हाथों को द्वारा जो मरे हैं उनको मुक्ति मिली हाँ उसमें भगवान ने हरिनाम दैत्य के श्लोक है इसलिए भगवान के हाथों में जो मरे हैं उनको ही मुक्ति मिली किसको मारे बोले दैत्यों को बोले इसका मतलब क्या है दैत्य लोग कहते जो दैत्य लोग इनको मुक्ति दिया जो भगवान का विद्वेष किया भगवान के हाथ में मरने पर मुक्ति बोले भगवान जी ने दैत्यों को मार करके मरने के बाद भगवान के हाथों में मरने के बाद उनको मुक्ति मिली बोले ये जो तुच्छ मुक्ति तुम भजन करके ही मुक्ति प्राप्त करोगे इतना कठोर साधन करके यही मुक्ति जो मुक्ति भगवान तुच्छ दैत्यों को जो दिया ये दैत्यों का पद को तुम ग्रहण करोगे इसलिए वहां पर बड़ी सुंदर इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कहते अगर कोई बोलता है हम भागवत समझते हैं बोले श्री यादव कोई भागवत ना ही जाने इतने आसानी बात नहीं भागवत को समझना इतना आसानी बात नहीं बड़े बड़े विद्वान भी बड़े बड़े विद्वान भी जिसमें मोहित हो जाते हैं एक समय वहां पर जो पंडित कह रहा था देखो जो गोपी गीते हैं उसमें जो सप्त कैसे घूमती है क्यों घूमती है कद अभी तक ये चीज को कोई प्रकाश नहीं कर पाए जैसे कहते हैं जयती तेधिका जय शुरू हुआ ना बोले जन मना प्रज श्रयत इंदिरा श्रयत में शुरू हुआ शाश्वत रही उसमें है ना एक शब्द उसके अंदर घूम रही बोले तब कथा मृतम तब से शुरू हुआ तप्त जी ही बना फिर का कभी भी रीरी तप फिर का से कलम सापम वो कह रहे थे देखो ये गोपियां साधारण रूप में क्या ग्वाली नहीं कंडा थप थपा दधी को बंधन करने वाली ग्वाली है ना दधी यही तो करती है लेकिन इन लोग ने जो श्लोक बोले है ना ये जो श्लोक बोले बोले अभी तक भी बड़े बड़े विद्वान ये चीज को निकाल नहीं पाए एक शब्द अंदर अंदर में कैसे घूम रहे हैं देखने के लिए ग्वाल नहीं क्यों केवल प्रेम रे बस चैतन्य गोसा है इसलिए महाप्रभु कहते ना श्रीधर मेरी स्तुति करो बोले ब्रह्म स्कूल गया ही नहीं पढ़ा ही नहीं मैं क्या स्तुति करूंगा बोले तू जो बोलोगे ना वो मेरी स्तुति है क्योंकि जब हृदय में शुद्ध सत्व हृदय में जो भगवान
कि भक्ति प्रकट हो जाती है ना सच्चिदानंद स्वरूप बास और जो कुछ बोलते हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति करते करते उनके कण कण में भक्ति की समाहित हो जाती है, जो कुछ बोलते वही सिद्धांत वही तत्व है। हरिदास ठाकुर को बोले बेटा करो, बोले प्रभु कुछ नहीं जानता, बोले तो जो बोलोगे वही मेरी स्तुति है, जो बोलोगे। प्रहलाद ध्रुव जी को बोले स्तुति करो, बोले स्कूल ही नहीं गया, मैं तो स्कूल ही नहीं गया, मैं कैसे बोलूंगा। भगवान क्या किया, शंख ज्ञान स्वरूप कपल में स्पर्श कराया तो बास बाचाओं मीमाम प्रसूताम, उनका हृदय में जो ज्ञान को उन्होंने एकदम जागृत कर दिया है, उन्होंने जो स्तुति किए भक्ति मोह प्रभुताम त्वयि में प्रसंग है, इसलिए उन्होंने क्या भगवान से उन्होंने बर मांगे, क्या श्लोक किया है। इसलिए यहाँ कह रहे भैया भागवत को जो बोलता है भागवत जानता हूँ नहीं जानता हूँ, बोले उस फिर भागवत को कौन समझ सकता है, बोले एक व्यक्ति समझ सकता है, बोले क्या है, बोले भागवते अचिंत ईश्वर बुद्धि जार से जाने भागवत अर्थ भक्ति सार, कहते एक ही व्यक्ति भागवत को पढ़ सकता है। कहते प्रभुपाद का समय में भी, प्रभुपाद का समय एक भागवत महाराज थे, वो बड़े विद्वान है संस्कृत, बड़े धुरंधर विद्वान संस्कृत, बोले एक समय एक बहुत बड़ा उस समय एक सब बहुत बड़ा ऑफिसर है, वो आए प्रभुपाद के पास में, बोले प्रभुपाद मेरे को आदेश दो, वो उसी महाराज से मैं भागवत कथा सुनना चाहता हूँ। प्रभुपाद ने कहा वो क्या जानता है भागवत, मंदिर में सबसे बड़े विद्वान थे हैं, सबसे बड़े विद्वान प्रभुपाद को क्या जानता है भागवत, इसलिए भागवत सुनना है ना जा बगीचा में चले जा वैष्णव दास से कथा सुन, वैष्णव बोले वो तो मूर्ख आदमी, वो तो मूर्ख आदमी अनपढ़, बोले वही जानता है जा उसके पास। और प्रभुपाद का आदेश है वो गए। वैष्णव दास क्या करता था, जैसे हमारे श्री करुणा प्रभु जी दिन भर क्या करते खेती में साग सब्जी उगाते हैं और खेती करते हैं, इसलिए वो खेती कर रहे थे भगवान के लिए, हाँ मुंह में हर समय हरिनाम करते थे, प्रभुपाद की कथा सुनते थे, दिन भर सेवा करते थे बगीचा में, साग सब्जी जो होता था ठाकुर को सेवा में लगता है, वैष्णव सेवा में लगता है, हैं इसलिए उनके पास में जाओ वो जीवंत भागवत है। तो वो गए तो उन्होंने प्रणाम किया, प्रणाम करते हुए जानते ना बड़ा विद्वान है, वो जो प्रणाम किया ना वो तो एकदम खड़े हो गए, बोले क्या क्या कर मेरे प्रणाम कर रहे हो, बोले हमें थोड़ा भागवत सुना, बोले भागवत मैं सुनाऊंगा, बोले प्रभुपाद ने बोले, बोले बोले गुरुदेव ने बोले, बोले हाँ अभी उन्होंने प्रभुपाद से जो कथा सुने थे ना, तो उन्होंने प्रभुपाद से जो कथा सुने थे फिर उन्होंने उनको कथा सुनाया है, कथा सुनाया तब वो सुनकर खुश हो गए। देखो यह कारण कहते हैं कितना सेवन मुख ही जिहा दो स्वयं स्फुरत, जब हमारी वृत्ति सेवन मुखी वृत्ति हो जाता है, वृत्ति हमारी जब सेवन मुखी वृत्ति हो जाता है, भगवान मुखी वृत्ति को छोड़कर सेवन मुखी वृत्ति होता है ना, फिर उसको मुंह में जो कुछ निकलता है क्या निकलेगा, भगवान की कथा निकलेगा और कोई दूसरा कथा निकलेगा नहीं, क्योंकि हर समय भगवान की सेवा कथा उसमें रहते हैं सेवा करते हैं, तो उनका वृत्ति एकदम सेवन मुखी वृत्ति हो जाती है और जो कुछ मुंह से निकलेगा सब भक्ति पूर्वक, सब भक्ति कथा निकलेगा है, सब भक्ति कथा निकलेगा सबके सब। इसलिए हमारे रूप सनातन मंडल में एक साथी थे कैलाश, हमने देखे नहीं होते कैलाश प्रभु है, वो गांव के एकदम लास्ट जीवन में आए, जैसे हमारे करुणा प्रभु है ना, जैसे वो बूढ़े आदमी थे और प्रभु इतना सेवा करते थे जो सोच नहीं सकते हो, जैसे सवेरे जैसे प्रसाद का समय आ जाएगा, बोले कैलाश प्रभु प्रसाद पान, बोले खन पावना, बोले कह ना, बोले खन परिजन स्वामी रे खन सेवा करे, बोले भगवान का कुछ अभी सेवा नहीं कर पाए, इसका फसल प्रसाद कैसे खा ले, अभी मैं चावल बीनूंगा बर्तन मलूंगा उसको बाद में प्रसाद पाऊंगा, अभी मैं प्रसाद नहीं पाऊंगा। और वो रूप सनातन का सामने उधर बैठ माला लेकर बैठ जाएंगे, बैठ करके अनपढ़ है गाँव के लोग अनपढ़ है, लेकिन ठीक जब कीर्तन का समय होगा मेरे को बोलते थे, बोले पूरी प्रभु उड़िया प्रभु मेरे को बोलते थे, पूरी प्रभु कीर्तन समय हो गलो एखन कीर्तन हवे ना, कीर्तन वो की करे अनपढ़ कुछ जानना, लेकिन टाइम पता नहीं कैसे पुराना लोग टाइम चार हो जाएगा ना, फिर मेरे को बुलाएंगे, बोलो उड़िया प्रभु पूरी प्रभु कीर्तन का समय हो गया, कीर्तन शुरू अभी तक नहीं हुआ, कीर्तन कब होगा हा? और कोई अगर हम आपस समय से कभी हंसी दिल कर लेते ना, बोले इस बात क्यों करते हो, भगवान की बात छोड़ करके भगवान की बात करो ना, क्यों इधर उधर का बात, वो डांटते थे हम लोगों को, हमें डांट देते थे, बोले इधर उधर बात मत करो, क्यों भगवान की बात छोड़ के दूसरी बात क्यों करते हो, मतलब उनकी जो चित्त वृत्ति है
और कि मरे शरीर का भी छोड़े, कार्तिक महीना एकादशी का दिन, कार्तिक महीना उसमें परिक्रमा हमारे गुरुदेव से थे, गोवर्धन में हमारा परिक्रमा चल रहा था, दोपहर में उन्होंने प्रसाद पाए, प्रसाद पाए दोपहर में, प्रसाद पा करके जाकर के विश्राम किया, विश्राम किया तो हमारे जो बाबा जी महाराज अभी उनके लिए कुछ चीज ले आते थे बाजार से, उनको गए उठाने के लिए, देखा उठ नहीं रहे, तब उनको पैर को पकड़ के हिलाया तो पूरा शरीर हिल गया, बोले ये क्या पूरा शरीर, देखा तो शरीर छोड़ दिया, शरीर छोड़ दी, ऐसे करते करते उनने शरीर ऐसे उन्होंने ऐसे शरीर छोड़े। इसलिए जब चित्त वृत्ति कहते ना अनाशन मरणम बिना दैनन्य जीवनम अनाराधित गोविंद चरणम कथम साध, कह रहे हैं भगवान की भजन किए बगैर, भक्ति किए बगैर जीवन आसानी से मिटेगा नहीं, जाएगी नहीं, और जीवन भी आसानी से मृत्यु नहीं होगा। किसका जीवन अच्छे तरह से जीवन बीतेगा, बोले जो भगवान की हर समय भक्ति भजन करता है उनका ही जीवन है, जीवन अच्छे बीतेगा और लास्ट है जीवन। इसलिए बोले भगवान को पहचानना तो हो तो भगवान को पहचानना तो चरण से, बोले साधु को पहचानना तो मरण से, साधु को मरण से सा, और भगवान को चरण से, भगवान को कैसे पहचानोगे, चरण में शंख चक्र गदा पद्म चिन्ह, बोले मरण में बोले साधु को चिन्होगे मरण में, है मरण में बोले अनाशन मरण, अनाश में किसका मृत्यु होगा, बोले साधु का, क्यों भगवान की कथा बोलते बोलते बोलते, आज जो हमारे मंदिर में कलकत्ता में एक साधु का शरीर छोड़ा है, वो सर्वेश्वर प्रभु शरीर छोड़ा, हाँ उनको शुगर हाई शुगर था, उनको उन्होंने उनको हाई शुगर था तो उनको ले जा रहे, बोले पूरी महाराज बोले हॉस्पिटल ले जाएंगे, है हॉस्पिटल ले जाएंगे, अभी हम बात कर रहे थे हॉस्पिटल ले जाएंगे, तो उन्होंने बाथरूम में गए, बाथरूम में बाथरूम किया, बाथरूम कपड़ा पहने के जाएंगे डॉक्टर को दिखाने के लिए, कपड़ा पहने करके पूरी महाराज ले जाएंगे, बैठे चेयर में बैठे, चेयर में बैठ बैठ कर चले, अभी मुनि महाराज से हम बात कर रहा था, बोले देखो कितने बढ़िया मृत्यु है, कपड़ा पहने, बोले कपड़ा क्या ठीक से पहने, तो बोले ठीक से एकदम ठीक से नहीं पहने, तो ठीक ठाक पहने हुए थे, हॉस्पिटल जाएंगे, बस बैठे चेयर में बैठ करके, बस हॉस्पिटल जाएंगे, चेयर में बैठे, पूरी महाराज आकर जब हॉस्पिटल लेने के लिए कहते चेयर में बैठे बैठे, बोले ये क्या चलिए छोड़। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कहते भागवत को कौन समझ सकता है, बोले भागवत अचिंत ईश्वर बुद्धिजान, जो व्यक्ति भागवत को साक्षात भगवत स्वरूप मानते हैं, बोले से जाना ही भागवत अर्थ भक्ति सार, वही व्यक्ति ही समझ सकते हैं भागवत का जो अर्थ भक्ति, ही भागवत का अर्थ समझ सकते हैं। इसलिए महाप्रभु जब दक्षिण दिशा में गए दिखाए ना, कैसे एक ब्राह्मण गीता खोल कर बैठा हुआ लेकिन पढ़ रहा है, इसे उल्टा पुलटा पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ते समय रो रहे, महाप्रभु बोले ये क्या, तो जितना गीता उल्टा पुलटा बोल रहा है ये रो रहा है क्यों, तो उनने पूछा बोले भैया तुम तो गीता ठीक से पढ़ नहीं रहे हो, रो रहे क्यों, बोले जब जब मैं गीता खोलता हूँ मैं देखता हूँ कुरुक्षेत्र में एक तरफ पांडव एक तरफ में कौरव और कृष्ण अर्जुन बीच में खड़े और कृष्ण साक्षात अर्जुन में गीता ज्ञान दे रहा हूँ, मैं जब ये गीता खोलता हूँ देखता हूँ बस देख करके मैं प्रेम में गदगद हो जाता हूँ प्रभु को, बोले तुम्हारी गीता पढ़ना ही सार्थकता है, तुम्हारी गीता पढ़ना सार्थकता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जो व्यक्ति भागवत को भगवत बुद्धि साक्षात ग्रंथ नहीं ये ग्रंथ रूप में स्वयं कृष्ण ही अवतीर्ण हुए, जिसका ये बुद्धि वही व्यक्ति ही भागवत का अर्थ को समझ सकते हैं। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्रीमान नित्यानंद प्रभु की, निताई गौर प्रेमानंदे बोले हरि। कल झूला है ना, कल झूला है, इसलिए कल सुना, कल हम शाम को सबके सब, और कल झूला झूला लीला है, इसलिए कल हम शाम को यहीं पर सबके सब आकर के झूला में शाम को ठाकुर को झूला झूला में है ना, आरती करके तो कहते बड़े इसलिए देखो कल
कल झूला थोड़ा सजा देना। कौन झूला सजाने वाले? कौन? हाँ कुछ लता पता थोड़ी बहुत है? कुछ है? कुछ लता पता ये है ना? ठीक है पहले। हाँ ठीक, कल 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 सब मिलजुल करके ना, कल सब मिल, कितना समय लगेगा? तो है हाँ हाँ सब सब कल मिल करके, हाँ कल शाम सकाले जो कथा खत्म हो जाएगी ना, उसके बाद तो सब प्रसाद पा लेना, प्रसाद पा करके आ करके सब सब मिल करके हैं, सब सब मिलजुल करके झूला को सजा देना। और जब वृंदावन में झूला होता था, आज का दिन है क्या आनंद, सोच सोच से बाहर हैं, सोच से बाहर आनंद है। सब इधर उधर से सब देश विदेश से भक्त लोग सब मंदिर में सब किलबिल किलबिल कर रहे थे। सब मंदिर सब झूला सजेगा, अब सब आएंगे, सब महाराज लोग बैठेगी और फिर कथा होगी। है कितना भक्त सब सुनते। और दूसरे द्वादश का दिन बाबारी रूप गोस्वामी की तिथि में जाएंगे, पूजा करेंगे, फिर वहाँ आएंगे सारे गौड़ी मठ से सब वैष्णव लोग आते थे, प्रसाद पाते थे हैं। फिर शाम को फिर धर्म सभा होता था, फिर धर्म सभा, फिर दूसरे दिन बस वहाँ पर पाँच दिन तक हमारे भारतीय उत्सव झूला। क्या झूला चेहरा, क्या क्या झूला सचमुच है ना। इस साल है ना सब सब करुणा ने करुणा कर दिया, हर साल कितना बढ़िया झूला होता। ठीक है, अभी ठाकुर का जो इच्छा है। जगन्नाथ मंदिर का भी झूला होता ना, जगन्नाथ सब बड़े ना से को कोट झूला झूला लागे कोट से मुक्ति मंडप, मुक्ति मंडप पूरा मुक्ति मंडप था से तोले मार तोले बड़ा मंडप से झूला तोल मार ऊपर को सजाए। अब राम झूला मार तब आम ये मठ काम दे एक मठ तक है फर्स्ट क्लास है दस टके मठ कोट कोट गोल्डन कलर हम गुरुदेव मठ रे थोड़ा नीला कलर है। आनंद लगे